हाँ बहुत महंगा देंगे ना थोड़ा। हाँ ज्यादा ही महंगा देंगे, लूट सकते हैं आप लोगों को, तो आप लोग ये जाना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? या फिर आप लोगों का हिमालयन ट्रैवलर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पटाया में अभी हम लोग, और हम लोग आए थे कोरल आइलैंड में। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें की। अगर आप लोगों ने देखना है कि हमने क्या क्या किया तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाइए। अभी बाकी हम लोग जा रहे हैं पटाया, और आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से शूटिंग रेंज। तो ये हमारे ड्राइवर हैं तो बैठते हैं और यहाँ से पटाया जाते हैं। हम लोगों ने करी है फ्रंट सीट बुक, इसके लिए हम लोगों ने 500 बात एक्स्ट्रा दिए थे। ये भाई साहब लोग, ये फादर हैं, इनके बच्चे हैं, ये लोग भी आए हैं इधर गुजरात से। तो काफ़ी मज़े कर रहे हैं हम लोग। और कैसा लगा आप लोगों को? बहुत सही लगा। हाँ मतलब ये है कि अगर आप इंडियन है ना, आप लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लोग आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हर एक इंडियन ऐसा लगेगा आप इंडिया में ही हो, गोवा में घूम रहे हो ऐसा लगेगा, है ना। हाँ तो पटाया आप लोग आ सकते हैं। पवन भाई इतने टेंशन में क्यों हो? गोप्रो में पानी गिरा है। हाँ यार इनके एक्चुअल में क्या है, ये गोप्रो है, वाटर प्रूफ होता है, बट मेरे ख्याल से कुछ खुल गया होगा शायद से। हाँ तो उसमें पानी गया तो देखना है, उसे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दोबारा से पटाया बीच के आसपास, और अब हम लोग जाने वाले हैं इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोगों को खाना मिलेगा। इंडियन फूड, वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा। गाइस यार अच्छी चीज़ दिखाई तो गंदी चीज़ दिखाना भी बनता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इधर का बीच है, कितनी गंदगी है इसमें। ये देखो यार कितना गंदा कर रखा है बीच, पूरी गंदगी यहीं को आ रही है। समुंदर अपने अंदर लेता ही नहीं है, सारी गंदगी छोड़ ही देता है। अभी हम लोग आ चुके हैं ग्रेट पंजाब रेस्टोरेंट पर, और यहाँ पे हमारा जो होगा बफे होगा, पीछे आप लोग देख रहे हैं, तो लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग, अचार, प्याज, खीरा सब है, आलू, बैगन, चावल, दाल तड़का, राजमा। ये क्या है? वेज मिक्स वेज, वेज कढ़ाई और खीर, और नान भी है ना, बढ़िया। रोटी है, चिकन है। ओके चिकन भी है। और ये सब जो आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा 250 बात ना, एक पर्सन का 250 बात, बाकी जितने लोग आते हैं इंटू उतना कर देना। दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी के बाद पहुंच गए हैं, खाना खा के मज़ा आ गया है, थकाई जैसी लग गई है, पूरा शरीर मतलब ना सॉल्टी हो गया, पूरी बॉडी में सॉल्ट जैसा लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि यार पहले स्विमिंग करें या शूटिंग पॉइंट जाएँ, समझ में नहीं आ रहा। पहले तो जाते हैं रूम में सबसे पहले, पूरे अभी तक गिले हैं यार हम लोग तो। चलो क्या हुआ, नहीं उठा रहे, देखते हैं। गाइस यार दिक्कत ये हो गई है कि अभी हम लोग शूटिंग पॉइंट जा रहे थे, बट वो क्लोज हो गया है तो उधर नहीं जा पाएंगे। बाकी अब हम लोग सोच रहे थे कि डॉल्फिन शो देखने जाएं, वो भी क्लोज हो गया, वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। तो अब हम लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा मस्त जगह लेके जा रहे हैं। हमने कार्लो भाई को फ़ोन किया लास्ट वीडियो से, आप लोग जानते होंगे लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो में उनको मिलाया था आप लोगों से, तो वो बोल रहे थे 3D आर्ट गैलरी है, मतलब ख़तरनाक 3D पेंटिंग की, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि वो आर्ट है, एक्चुअल में रियल जैसा लगता है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं कि किधर है, कैब बुक करते हैं। बोल्ट वही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, मतलब एक से एक गाड़ियाँ आ रही है, और जब हम तीनों साथ रहते हैं उस समय तो खतरनाक गाड़ी आ रही है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं फिर? कार्लोस भाई, क्या फोन करो ना, मैं वही कह रहा हूँ, फोन करके पूछ लो उनसे, अगर उनको लगता है ना कि वहीं से पाउचर वाला हो जाता है तो ठीक तो है। यस आपको इस देश का एक जुगाड़ बताता हूँ, इन्होंने क्या किया, ये जो स्कूटी है इनकी, स्कूटी के साथ ये गाड़ी को अटैच कर रखा है, और इसमें फ्रूट, व्हाट टू से दिस कंबाइंड सिस्टम, व्हाट टू से गाड़ी, एक्सक्यूज मी आई वांट टू थ्रो। वाह यार सही बनाया इन्होंने, इस भी ये बेचारे को लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत है, वरना तो फिर ये बता ही देता क्या है करके। इसी के साथ कनेक्ट किया है पूरा वेल्डिंग करके। ये है 50 बात का, जैक फ्रूट भी है 50 बात का, पाइनएप्पल 50 बात का है, मैंगो 50 बात का है, ये सब चीज़ गुआवा सब 50 बात के हैं यार। वैसे फ्रूट्स खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो, वैसे भी खा सकते हो। सो गाइज मैं पीछे पहुंच चुका हूँ 3D आर्ट गैलरी, तो यहाँ सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो 3D है, आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि वो मतलब कि कुछ डुप्लीकेट टाइप है, प्योर ओरिजिनल लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप वहीं पे हो, आप उसको टच कर रहे हो। तो हमें जनरली यहाँ पे 400 भात का टिकट है, बट तिल्लू भाई ने हमें ये कितने का, 300 भात का, बहुत सस्ता दिलाया, थैंक यू। अगर आप लोग भी आते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ सो गाइज हम लोग पटाया स्ट्रीट में हैं, तो वहाँ पर इनकी शॉप है, कहाँ पर आप शॉप का एड्रेस दे दो।
सकन रोड पे ना, नाम क्या है उसका? टूरिस्ट स्टे, टूरिस्ट स्टे है, तो आप उधर जाके और हमारा नाम लेना, हिमालयन ट्रेवलर ने भेजा है, तो डिस्काउंट लग जाएगा आप लोगों को। बढ़िया भाई यार, यहाँ पे मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं। आप लोगों ने एक ऐप डाउनलोड करनी है, उससे 3D पेंटिंग, मतलब जो सारी पेंटिंग है सब 3D में, आप उस ऐप से उनको 3D में देख सकते हो बस, और कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि पैसे की बर्बादी, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखना इसमें, देखो ये पूरा 3D व्यू दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है इल्यूजन। अब देखो ये दिख रहा है आपको एक्चुअल में 3D। ये आप लोग देखो, अब मैं आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ, ये ऐसा लग रहा है जैसे 3D व्यू है। देखना इसमें ऐसा लग रहा है जैसे हाथी पॉटी कर रहा है, लग रहा है। सो गाइस, ऐसा लग रहा है देवी भाई की मुंडी गायब हो गई और उस इनके ऊपर रखे बर्तन, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें बताऊं, ये देखो ये है, और ना बर्तन है ना कुछ है, ये सब पेंटिंग है। लग ऐसा रहा है जैसे सब चीज 3D में है। ये है कुछ 3D लुक का, आप लोग देखो। इसमें तो आपको सच में लग रहा होगा यार, देखो ये देखो, जैसे ये है ना, मैं आपको 3D में दिखाता हूँ, ये देखो क्या मजा आ रहा है भाई साहब, 3D पूरा। जैसे ये ऊंट दिख रहा है ना, अब इस आर्ट गैलरी में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको ये ऊंट हिलता हुआ दिखेगा। अरे भाई साहब, जीप भी निकाल रहा है ये ऊंट। जैसे सिंहासन है ना, अब देखो ये आपका सिंहासन, इसमें बाघ आते हुए दिखेगा, आ रहा है ना बाघ, ये फायदा है इसका। AR VR क्या चीज़ को क्या दिखा देता है, देखो ना ये अब ऐसा दिखा रहा है। इसका स्कैनर में क्या दिखता है देखते हैं। अरे भाई साहब, ये ऐसे 3D लुक आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखो पूरा 3D है, ये देखो। ओ भाई साहब, इसमें मजा आ रहा है यार, ये देखो यार, आपको लग ही नहीं रहा होगा। ओ भाई साहब गजब, थोड़ा यहाँ पे फील आ रहा है 3D वाला ना, एकदम 3D। अब मैं आपको एक गजब चीज दिखाऊंगा, आपको चेयर लगी थी ना, ये एक्चुअल में देखो ये क्या है। और पीछे जाने में ऐसा लग रहा है चेयर है, बस ये है 3D और कुछ नहीं है बस। देखो ये। सो गाइस, अगर आप लोग यहाँ आते हैं पटाया में, तो आप लोग अपनी करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्सचेंज काउंटर बने हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इनका जो रेट है वो वैरी करता है, चेंज करता है टाइम टू टाइम, तो आप लोग करा सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत महंगा देंगे ना थोड़ा, हाँ ज़्यादा ही महंगा देंगे, लूट सकते हैं आप लोगों को, तो आप लोग ये ध्यान रखना। थैंक यू। तो ये देख लेना आप लोग की INR को तो कन्वर्ट कराने की गलती मत करना। हाँ, डॉलर आते तो डॉलर में फिर भी ठीक पड़ जा रहा है, तो आप ये जरूर देख लेना यार, एक्सचेंज बताना जरूरी था, बट लिस्ट भी नहीं दिखा रहे थे, इतना महंगा लूट रहे थे कि लिस्ट दिखाने का मतलब ही नहीं बनता है। सो गाइस, मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग एक काम करना, आप एक फॉरेन एक्सचेंज कार्ड बनवा लो या क्रेडिट कार्ड बनवा लो। उसमें क्या होता है ना, आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा, जो उस दिन का एक्सचेंज रेट चल रहा है उसी रेट पर आप दोगे। हाँ, आप लोगों का थोड़ा सा जब एक बार जैसे 10-20 हज़ार रुपये निकाल रहे हो ना, तो उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज पड़ जाएगा। हाँ, और दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन करते हो तब तो और भी अच्छा है, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, तो ये फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा। ये लेके चलो ना, हमने अपने सफर में नीवी दो 3 से 4 हज़ार सिर्फ एक्सचेंज का रुपया दिया यार, बहुत महंगा है। और ये भाई साहब दैविक भाई बड़े मस्त मजे में घूम रहे हैं बिना एक्सचेंज किए हुए, क्योंकि वो कार्ड लेके आए थे ना। ये है ऐसा कुछ, बाकी अभी हम दोबारा से अपनी दुनिया की सबसे फास्ट लिफ्ट में चढ़ गए हैं। हमें 10th फ्लोर पे पहुंचाया कि विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड लगभग देखो पहुंच गए। सो फाइनली यार, कमरे में आगे बड़ा अच्छा लग रहा है।